हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो बिहार एस्टेट 2019 की जो बहाली प्रक्रिया है उससे संबंधित है। और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है कुछ रिस्पांस मिले हैं कि जो बहाली है वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, इसको अभी तक जो है शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्री ने, बिहार सरकार ने क्लियर नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है, अभ्यर्थियों के सामने नहीं रखा है और ना ही बताया है कि जो आवेदन लिए जाएंगे वो किस तरीके से लिए जाएंगे, उनकी जो नियोजन इकाइयाँ हैं वो क्या होंगी, पंचायत स्तर की होंगी, ब्लॉक स्तर की होंगी, जिला स्तर की होंगी, किस तरीके से इस आवेदन को कम्प्लीट किया जाएगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया अभी तक जो है डिफाइन नहीं की गई है, ना सामने खुल के आ रही है और ना ही सरकार उस पर बात करना चाह रही है और ना बात कर रही है। 106 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी कि नहीं होगी इस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। उनका रिजल्ट कब जारी होगा, क्या उनका रिजल्ट जारी होने के बाद ये भर्ती शुरू होगी या उनकी परीक्षा होने के बाद ये भर्ती शुरू होगी, कुछ भी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री द्वारा, बिहार सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा अभ्यर्थियों को, जिसकी वजह से जो है कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि ये शिक्षक बहाली जो बिहार स्टेट 2019 जो पास किए हैं ये कैसी होगी, कब होगी, क्या प्रक्रिया होगी, इसी बारे में सारी बात हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पर बात करने का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को हमेशा सचेत रहना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए और ऐसी गलतियाँ इस शिक्षक बहाली में ना हो पाए, यानी कि बिहार स्टेट 2019 में सरकार ऐसी गलतियां ना कर पाए जैसी 94 हजार शिक्षक बहाली में हो रही है, कि ऐसा ना हो कि इसको भी लोग जो है फंसा दें। तो यहां पर जो है सबसे पहली जो बात हम करना चाह रहे हैं कि बिहार एस्टेट 2019 का जो आवेदन है वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। और प्रत्येक अभ्यर्थी बिहार एस्टेट 2019 जो पास है वो यही चाहता है कि बिहार शिक्षक बहाली अब जो हो वो जो है ऑनलाइन प्रोसेस से हो। एक चीज तो सबको कंफर्म है कि ये जो बहाली होगी बिहार स्टेट 2019 की जो ये बहाली होगी ये जो है बिहार शिक्षक जो नियमावली 2020 है उसके आधार पे होगी, और ठीक है उसके बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। इसलिए हम कहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल सके। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये बहाली अगर ऑनलाइन होती है तो इससे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, लेकिन सरकार क्या इसके लिए कोई वेबसाइट तैयार कर रही है, कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है कि क्या हम लोग जो है प्रत्येक नियोजन इकाई में जो है हमको जाना ना पड़े, जैसे पिछली बार हम लोग घूमे थे, घूम घूम के जो है फॉर्म डालते थे, अच्छा खासा पैसा खर्च होता था, फोटोकॉपी पे खर्च होता था, फोटो पे खर्च होता था, खाने पीने पे खर्च होता था, और एक दिन में मुश्किल से हम लोग अगर मोटरसाइकिल से भी चलते थे तो 4 या 5 फॉर्म डाल पाते थे, और जो लोग पैदल होते थे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था वो मुश्किल से एक दिन में 2 या 3 फॉर्म डाल पाते थे। तो वही सारी चीज़ें जो हैं फिर से ना दोहराई जाएँ। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है एक अपील करनी चाहिए, एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए बिहार सरकार से, बिहार शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से कि कृपया बिहार स्टेट 2019 पास जो पात्रता परीक्षा जो पास किए हैं जो अभ्यर्थी उनके लिए ऑनलाइन बहाली का जो है रास्ता अपनाया जाए और जो आवेदन जो है विज्ञापित पदों पर लिए जाएँ उसकी पूरी डिटेल्स जारी की जाए, कैटेगरी वार बताया जाए, कैटेगरी वार जो है कितने कैंडिडेट पास हैं ये बताया जाए, ठीक है, और ये भी जो है क्लियरिफाई किया जाए कि क्या सबकी नौकरी कैटेगरी वार का वो कैटेगरी वार सीट पे लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी क्लियरिफाई किया जाए। और इसके साथ ही जो आवेदन प्रक्रिया हो पूरी तरीके से ऑनलाइन हो और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन हो वो भी जो है पुख्ता तरीके से हो, ये नहीं कि जो है 94 हजार शिक्षक बहाली की तरह इसमें भी जो है फर्जी अभ्यर्थी जो है शामिल हो जाए। और सब्सिडरी सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी मतलब यहाँ पे भ्रम की स्थिति है लोगों में कि क्या सब्सिडरी सब्जेक्ट से जो लोग पास किए हैं ग्रेजुएशन क्या वो जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट से इसमें पात्र हैं कि नहीं है, क्योंकि जो योग्यता जो दी गई थी विज्ञापन में उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो है बीए हिंदी, बीए इंग्लिश, बिल्कुल मतलब स्पष्ट लिखा था, कहीं भी सहायक सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये चीज है ध्यान रखने वाली होगी, सरकार इसको क्लियर करना चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और बिल्कुल जरूर करना चाहिए, समय रहते कर देते तो उसी हिसाब से जो है अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है प्रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें तैयार रखते हैं ताकि ऑनलाइन जो है करने के समय जो है उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार को जल्दी से जल्दी जो है अभ्यर्थियों को बताना चाहिए, जारी करना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे, इंतजार करते हैं। फिलहाल हम लोग की सबकी अपील यही है, हम लोग की सबकी रिक्वेस्ट यही है सारे अभ्यर्थियों की कि ये जो बहाली हो बिहार स्टेट 2019 की इसको जो है पूरी तरीके से जो है ऑनलाइन किया जाए ताकि जो है पारदर्शी तरीके से हो सके और इसके जो है मेरिट अंक बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ऑटोमेटिक वो बन जाए, ठीक है। और इसके साथ ही जो है ऑटोमेटिक जब मेरिट अंक बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है जो इसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी जो है क्रिएट हो जाए, इसमें कोई काउंसलिंग वाली प्रक्रिया ना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। काउंसलिंग को इसको जो है बिल्कुल डिनाई करने की कोशिश की जाए, ऑनलाइन बहाली होगा तो इसमें काउंसलिंग ना ली जाए, ठीक है।
सीधे जो है आप ज्वाइनिंग लेटर जो है करवा करके जो है अभ्यर्थियों को जो है दे दिया जाए, ये हम लोग की रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि शिक्षक बहाली को जो है ऑनलाइन तरीके से पारदर्शी तरीके से कंप्लीट करने का कोशिश किया जाए। और यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम अपना एक सुझाव जो है सरकार को देंगे, एक सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर हम आपको देंगे। हमने पहले भी जो है 98 शिक्षक बहाली के लिए ऑनलाइन डाटा के लिए जो है एक स्ट्रक्चर दिया था, उसको शायद हो सकती सरकार की नजर ना पड़ी हो, लेकिन इसमें जो आवेदन जो लेना है प्रत्येक नियोजन इकाई के हिसाब से जो आवेदन लिया जाता है उसके लिए भी हम आपको जो है एक स्ट्रक्चर बना के देंगे, पूरा एक डिजाइन क्रिएट करके देंगे, सरकार को एक सुझाव के रूप में देंगे, एक विचार के रूप में देंगे। सरकार को मानना है ना मानना तो उसके मन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बना के देंगे। तो आज के वीडियो में यही कहना था कि बहाली को जो है कृपया ऑनलाइन करा दिया जाए भाई, और पूरी रिक्वेस्ट है सभी अभ्यर्थियों की तरफ से रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से कि बिहार स्टेट 2019 की जो बहाली है उसको ऑनलाइन कंप्लीट करा दिया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और टाइम जो है कम से कम लगे, और जो डाउट्स हैं उनको जो है समाधान जो है आवेदन निकालने से पहले ही कर लिया जाए ताकि जो है कोई केस कचहरी ना देखना पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही कहना था, वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।